ये NH-51 है और इसके एकदम ऊपर ये है मामा पागल आश्रम। बाबा जी है जो इस जगह का ध्यान रखते हैं। इसके पीछे करीब 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ लंबा जंगल है और जो यहाँ से शुरू होता है पीछे गांव से गोसा से और जाएगा माधवपुर तक। इसके एकदम नज़दीक में ये जगह है। देखिए ऐसी फीलिंग आती है कि समाज के अंदर ये लोग रहते हैं तो ज़्यादा खुद को अजीब हालात में महसूस करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते होंगे, लेकिन इस आश्रम में रह करके अपने जैसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता होगा इनको। समाज में जो अलग तरह के हम जैसे लोग हैं जो खुद को नॉर्मल बोलते हैं और इनको अब नॉर्मल बोलते हैं, वो लोग जिस तरह का व्यवहार इनके साथ करते हैं शायद वो अप्रोप्रिएट ना हो, शायद वो प्रॉपर ना हो, लेकिन यहाँ जो व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है इनको भी किसी भी एनी थर्ड पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये अपना ध्यान रखते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सब काम करते हैं। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है मामा पागल आश्रम में रहने का ये यूनिक है। कई मायने में मैं समझ पाया बहुत सारी चीज़ों को। पागलपन तो सारी दुनिया में है, फिर क्यों कुछ लोगों को पागल कहा जाता है, करता है कौन फैसला कि कौन पागल है और कौन नॉर्मल। इस भाई की ड्यूटी सबको चाय पिलाने की है, ये चाय गर्म करता है जाएगा, पिलाता जाएगा, जो भी आएगा उठेगा, चाय सबको इन्होंने पिला देनी है सामने बैठे हुए। इसका नाम क्या है? पप्पू। पप्पू तो तुम्हारा नाम है ना? इसका क्या नाम है? अच्छा वो बताएंगे, ठीक है उनसे पूछता हूँ। ये पौधों में पानी डाल रहे हैं। सब में पानी डालोगे तुम? अच्छा अच्छा इधर कुछ लोग उठ के सुबह सुबह काम में लगे हैं, कुछ अभी भी सोए हैं। आज़ादी है अपने हिसाब से उठने की। क्या वो माचिस है? माचिस मेरे पास नहीं है, उसके पास है, ले लो। माचिस लेने गया अब। लो जी ले माचिस और अब आग जलेगी। यहाँ के सब काम ऐसे ही मिलजुल के सब लोग करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि खाना खा लो। नहीं समझा मैं, मुझे खाना खाने को बोल रहे हैं या किसको? सबको बोल रहे हैं खाना खाना है। अच्छा अच्छा अभी बना रहे हैं उसके बाद खाना खाएंगे। इस भाई की ड्यूटी है इनको बाहर निकालने की सुबह सुबह, तो इसने खोल दिया सब पंछियों को। क्या सीन है मज़ेदार। सबको दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा है। कब उठे सो के? अभी उठे हो? सो के अभी उठे? हाँ हाँ बाहर देखा मैंने, वहीं सोए थे। हम ठीक हो गए सर। आप ठीक हो गए? घर जाने का है, कोई लेने नहीं आया। कब जाना है घर? अच्छा मेरी मैया मासी है। हाँ वो लेने आने से यहाँ बाजू में गड़ू गाँव है ना, तो आते नहीं अभी। कब आए? आएंगे अभी। अब क्या करोगे फिर? ये काम करेंगे, सिलाई मशीन काम। आता है? पहले सीखा था? तो कब कब की बात है, कब सीखा था? 2 महीने वो तो पहले से सीखा था, मेरे मम्मी वो को गई ना, तो मगज घूम गया मेरा। अच्छा क्योंकि इधर से ठीक हो गया। हाँ हाँ अब जाने का है तो पापा रजा देंगे तो चले जाएंगे, थोड़ा सा डर लगता है अकेले कहाँ जाएगी। अच्छा बाजू में है ना तो मारते ऐसा हो जाता तो मारते हैं। नहीं अकेले नहीं जाते ना। अकेले नहीं जाते? हाँ ठीक है अकेले मत जाओ, जब वो लेने आएंगे तब जाना। बारह बारह नहीं है ना, पापा रजा देंगे तब चले। पापा जब बोलेंगे तभी जाना, जब सही टाइम होगा ना वो भेज देंगे या किसी को बुलाएंगे पहले। आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश और गांव का नाम? गड़ू गाँव। गड़ो इधर पास में मालिया तालुक। हाँ मालिया में है? अच्छा अच्छा जिला जूनागढ़। हाँ जानता हूँ, मालिया से होके मैं इधर आया।
अभी आराम करो, ठीक हो, अभी जब बापा बोलेंगे फिर जाना। एक नई दुनिया ही बसा दी है बापा जी ने यहाँ पे। मुझे किसी लिहाज से ऐसा नहीं लगा, सिर्फ कुछ फिजिकल अपीयरेंस में ऐसा है कि लगता है कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, अदरवाइज तो सब काम करते हैं प्रॉपरली। मैंने किसी को भी खाली बैठे हुए नहीं देखा, खुद अपने बर्तन धोना, खाना लेकर के आना, खाना, दवाई खाना, सब कुछ वैसे ही तो करते हैं ये लोग। पानी ये डालते हैं, घास काट के ये लोग लाते हैं, गाय का भैंस का ध्यान ये रखते हैं, सफाई ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी पागलखाने से ज़्यादा अच्छी जगह तो ये है, क्योंकि पागलखाने में जो मैंने देखा नहीं कभी, पर मुझे लगता है कि उनको इस तरह से रखा जाता है, जगह भी उनके पास कम होती है या जगह बहुत है, आसपास खुला वातावरण है और बिल्कुल वैसे ही इन्हें रखा जाता है जैसे ये किसी सोसाइटी का पार्ट हो। तो अगर ये किसी कम्युनिटी में रहेंगे तो वहाँ जिस तरह से लोग रहते हैं वैसे यहाँ पर भी रहते हैं। मुझे तो इनके रहन सहन और लाइफस्टाइल में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ये माउंट के अब आई हैं, यहाँ चाय सर्व हो रही है इनको, वो कप ले के आई अपना, चाय पी, चाय, चश्मा अच्छा है, अच्छा है, हमेशा पहनते हो, अच्छा है वो ऑर्चिड है जो यहाँ रखा है, शतुरमुर्ख। अंदर पूरा हॉल रूम है, खाट है प्रॉपर, तो जिनको यहाँ सोना है वो यहाँ सोते हैं, पर ज़्यादातर लोग बाहर खुले में सोना पसंद करते हैं। सामने एक कैबिन है जिसको किचन की तरह यूज़ किया जाता है, चाय और थोड़ा बहुत स्नैक्स इधर बनता है। एक मेन किचन अंदर है, ऊपर ये बर्ड्स के लिए घोंसले लगा दिए गए हैं और बहुत सारी बर्ड्स इनमें रह रही हैं, एक भी घोंसले ऐसे नहीं है जो खाली मिलेगा आपको। तो पशुओं को पानी पिलाना, घास डालना, सफाई करना, सारे काम बांट रखे हैं यहाँ पर। ये सब यहाँ की सुबह की दिनचर्या आप देख रहे हैं, इस वक्त सब काम में लगे हैं। दूध में से मक्खन निकाला जा रहा है, नमस्ते, अच्छा है, अच्छा है, हाँ हाँ अच्छा है, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ मैं यहाँ का हूँ, गौरसर का है, ये खुद गांव है मेरा, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। फिर 20 साल से मैंने 2002 में चालू किया है। पहले हम रोटी मांग के खिलाते थे उसको भेगा करके, अभी उसका इलाज होता है, महीना में एक दो सही होकर घर चले जाते हैं। वो जो समाज में से अलग हो गया और समाज में अंदर घुस जाए तो ठीक है, ये पागल यूनि में फरते रहते हैं, उसका इलाज करें, उसको हुफ होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से बुलाना चाहिए तो वो सही हो जाएगा, उसका इलाज कराओ तो सही हो जाएगा, फिर समाज में वापस आ जाएगा। 20 साल पहले शुरू किया था यहाँ पर, हाँ। तो जब शुरू हुआ तो कैसा था ये, कैसे चीजें आपने शुरू की और ये विचार कहाँ से आया? नहीं, जो मेरा गुरु बोलता है ना कि जिसका कोई नहीं हो उसका तुम हो जाओ तो तुम मेरा ऊपर वाला हो जाता है। हाँ, तो आपके वो जो गुरु जी का नाम क्या है? विजय बापू सताधार का मंत्र, सताधार है ना, हाँ, यहाँ आगे है, हाँ। तो वो अभी भी है, हाँ। तो उन्होंने आपको बोला, हाँ। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर मैं ट्रक चलाया, 35 साल तक ट्रक चलाया, ट्रक में भी मैं नाई का धंधा कर लेता, सबको नाला देते, धोला देते, और रास्ते में मिलता है कपड़ा दूसरा पहना लेके वो उसके रास्ते में मेरा रास्ते चले जाते। जो माँ को लड़का बहुत प्यारा है मगर ये दर्द होता है, माँ नहीं स्वीकारती, समाज नहीं स्वीकारता, घर वाला नहीं स्वीकारता, वो भटकते रहते पूरा दिन, भटकते रहते, पूरा बारिश उसके ऊपर होता है, पूरी ठंड उसके ऊपर होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता। फिर हम बकुल बूस जूनागढ़, उसका प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ हम दाखिल करता है, और बूस साहब यहाँ भी आता है, बूस साहब के लिए हम यहाँ सब सही हो जाता है। 2-3 साल दवा करना पड़ता है, कोई कुछ 6 महीना का दवा करना पड़ता है, कोई लंबा टाइम का गांडा पागल रखड़ता रहता है तो उसकी 2-3 साल दवा करना पड़ता है, उसका इलाज करना चाहिए। तो पहले आप ट्रक चला रहे थे? हाँ। तो तब भी आप सेवा भाव से सेवा करते? हाँ, मैं ट्रक में रखते थे 20 लीटर पानी और केरबा पानी का भर के ऊपर रख देता, और बिस्किट सब अंदर गाड़ी में, कपड़ा लता सब, और नायका सजिया वजिया सब, कातर वातर सब रख, खुद करते थे अकेले? हाँ। तो उसके रास्ते चले जाते ना, धो के कपड़ा पहन के, मैं मेरे रास्ते। इस जगह का नाम क्या है जहाँ हम अभी? एक गोरसर गाँव है, इस जगह का नाम है मामा पागल आश्रम, मामा पागल आश्रम, ये थोड़ा अलग सा नाम है, ये नाम कैसे पड़ा? ये पीछे मामा का मंदिर है, हाँ।
इसीलिए इसीलिए नाम पड़ा। तो आपने फिर वो ट्रक चलाना बंद कर दिया उसके बाद? हाँ, वो तो मैंने 70 साल हो गए। तो उसके बाद यहाँ आप, तब से आप यहीं? हाँ, निवृत्त हो गया। जब शुरू किया तब यहाँ क्या था, अकेले थे आप? हाँ, अकेले थे। और ये बिल्डिंग थी तब? नहीं, कुछ नहीं था, एक खोली थी, इसमें 15-20 आदमी था। हम रोटी मांग के गांव में चलाते थे, उसको खिलाते, हम यहाँ रहते, उसको चाय पानी खिलाते, अकेले ये सब करते थे। हाँ, पर ये आपको ऐसा करना क्यों अच्छा लगता था? और फिर ऐसा हर कोई तो नहीं करता, आप ही क्यों करते थे? ना, मेरा गुरु बोला था, गुरु ने बोला इसलिए आप करते थे, कि जिसका कोई नहीं है उसका तुम हो जाओ तो तुम्हारा ऊपर वाला हो जाएगा। ये लगता था आपको कि बेसहारा है, इनका सहारा बनूंगा? हाँ, मेरे यहाँ एक फौजी आया था, वो डूंगरपुर का था, वो सही होके चला गया। अभी शुरू की बात है। हाँ, पार्ले बिस्किट में वो अभी पगी है, ठीक होने के बाद नौकरी कर रहे हैं अभी। पार्ले बिस्किट से बहुत चले गए यहाँ से, बहुत चले। शुरू की एक छोटी सी खोली में से और मांग के खिलाते थे। हाँ, रोटी मांग। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? 20 साल हो गए। अब 20 साल हो गए। अब क्या क्या है यहाँ पर अभी? अभी तो सब है, मेरे को मांगना नहीं पड़ता किसी का, ये सब आ जाता है। तो कितने हैं अभी जिनका इलाज चल रहा है यहाँ पर? अभी सब का 5-5 साल का इलाज चलता है। 5 साल है, पागल, 5-5, 6 और 5। अच्छा, 6 और 5, 65 है, 65। अभी उतने हैं यहाँ पर। तो क्या क्या करते हैं उनका इलाज करने के लिए? तो आपने बोला कि डॉक्टर आ जाते हैं, दवाई डॉक्टर आ जाएगा। और क्या क्या यहाँ पर सुविधा है? शाम को देखो, अभी जो तुम तो रुक के गए ना, तो शाम को यहाँ दवा मिलेगी, सब बैठ जाएगा खाना खा कर लाइन में। अच्छा। सबका नाम बोले वही आएगा दवा लेने। हाँ, ये सब खुला रहता है, मेरा कहीं खुला नहीं, पागल रहता विश्व में, कहीं पागल खुला नहीं रहता। अच्छा। अपने यहाँ सब खुला है, देखो ये सब पागल ही पागल सब बाहर घूम रहे हैं। हाँ, वो तो मैं डॉक्टर ने जैसा होता है ना, एक को सब त्राजवा में रखो तो एक निकल जाए, एक को रखो तो पागल है। रोड का कांटा है सामने पीछे समुद्र, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। हमें यहाँ रात को भी सो जाता है, इधर मैदान में सोता है, इधर सोता है, कोई जाएगा नहीं। मैं भी यहाँ सोता हूँ बाहर उसके साथ। अच्छा, तो गुरुजी से मिलते हैं? हाँ। गुरुजी खुश हैं अभी? हाँ, उनको अच्छा लगता है? अच्छा लगे ना, ऐसा काम करे उसको तो अच्छा लगे ना, कोई ना करे ऐसा काम करता है हम तो उसको अच्छा लगे। उनके इतना खर्चा होता है खाने का, रहने का, ये कहाँ से आता है? आ जाता है उसका भाग का, कहाँ से आ जाता है। क्या लोग दान करते हैं, डोनेट करते हैं? हाँ, ये डोनेट से बना है, ये पूरा बिल्डिंग उसी से बना है। ये हमारा ट्रस्टी है ना, वो सब करता है। मैं तो कहीं मांगने नहीं जाता, का चलता है का नहीं, वो मेरे को कुछ पता नहीं, वो सब लोग ट्रस्टी लोग करता है। मैं 10 साल करूँगा, 70 साल तो हो गया, और 80 साल मान बचूंगा मैं। तो आपकी बात कौन करेगा इधर? तो उसका भगवान है ना सब। कोई ना कोई मिल जाएगा। कितने लोग ठीक होके गए आज तक? बहुत गए हैं, महीना में एक आध दो चले जाते। अभी जामनगर में 2 मोमेडियन गए, केशोद में गया, लुवाना। हमें यहाँ पूछने दलित लोग आता है, तुम दलित को रखते हैं? हम दलित है भाई, कुछ सब को रखते हैं। यहाँ तो मंदिर है, कोई गुलाब का फूल चढ़ाता है, कोई धतूरा का चढ़ाता है, कोई भरानी का फूल, जो मर्जी वो फूल चढ़ाता है, तो मंदिर है। हम ऐसे जाति पाति नहीं जानता कौन सी जाति कौन सी जाति, हम मानस है, वो भी मानस है, मैं भी मानस। काम अच्छा कर रहे हैं आप, मेरा तो पहला ही तजुर्बा है इस तरह का, किसी भी जगह देखने का, ऐसा कुछ दिखा नहीं कभी। कोई जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाह रहे हो? कोई ना, बस संदेश मिले तो हमको आशीर्वाद देगा बस। तो आशीर्वाद कैसे देंगे वो आपको? अब भगवान को बोल रहे उसका अमर रहने दे। अगर कोई डोनेट करना चाहे तो हम तो कैसे करेंगे? तो ट्रस्टी लोग हमारा ले लेता है, मैं तो कुछ नहीं करता। तो कोई नंबर है जिसपे पैसा ट्रांसफर होता है? हाँ, वो तो होता है जो पदू भाई के पास होता है। पदू भाई के पास होता है। हाँ, तो उनसे लेके मैं डाल देता हूँ, देखते हैं कोई अगर करना चाहे सहयोग तो कर सकता है। अच्छा लगा मिलके आपसे। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया आपने। दोपहर के 12:30 बजे का टाइम है, यानी कि ये लंच टाइम है यहाँ पर। तो अभी आवाज लगाई जाएगी, सिग्नल होगा और फिर यहाँ आना लोग शुरू हो जाएंगे। रजीत दौड़ते हुए पहला बंदा एंट्री मार गया। ऐसे देखिए सब लोग आना शुरू हो गए, पप्पू भी पहुँच गए हैं, क्या बात है।
से बर्तन उठाए गए हैं और सब चल के अपनी चप्पल यहाँ निकालने के बाद अंदर जा कर के बैठ जाते हैं। एक बार गिनती की जा रही है सबकी कि कोई मिस तो नहीं हो गया। आज का जो खाना है इन माता जी और इनकी तरफ से आया है। नमस्कार जी। बस बहुत बढ़िया। बाय चांस ऐसा है आज मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों ने खाना यहाँ पे दिया है आज। ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर। सो सेम रूटीन है, खाना खाने के बाद प्लेट लेके बाहर जाएंगे, धोएंगे और वापस लाके वहाँ रख देंगे। तो इस तरह से लंच का प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट। इवनिंग का टाइम है, डिनर का टाइम हो गया है। अब देखिए किस तरह से वापस बुलाया जाएगा, लोग डिनर करने के लिए जाएंगे। ये कितना सही है, वाह। आवाज लगाई और सब लोग आगे खाना खाने, तो ये सायरन की तरह है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अगर तो जाके मेरा बुला ले जाओ ना कि गुड जॉब पे। तो हां बिल्कुल, शाम को तो इंतजार करते होंगे सब। पर तभी नमस्ते 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 पावनी जी ना नमस्ते लंदन। देखिए सब लोग पहुंचने लगे हैं। सबको खाना सर्व किया जा रहा है एक एक करके। काउंटिंग करके सबको बिठा दिया गया है ताकि कोई मिस ना हो और खाना सर्व किया जा रहा है इस वक्त। तो एक एक डिश इस तरह से सबके सामने प्लेट में आती है और कौन इनको पागल कहता है, एक्चुअली इनको पता है कि इन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हाथ सामने रख के मना कर दिया जाता है कि ये चीज़ मुझे नहीं खानी है। खाना सर्व हो रहा है और उसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो जब आप नहीं होते यहाँ चले जाओगे फिर ये काम कौन करेगा? फिर वो खुद करता है। नाक मुटा में खाना खा लिया, दवाई खा ली और जिसका दिल है सोने का अपना कंबल उठाया, चादर बिछाई और लेट गए। उसने पानी पी के ऊपर जीभ से ढक जीभ करके दिखा दिया आपको। लक्ष्मण हलिया एक काम तो नहीं किया, एक तो सर मेरे यहाँ आश्रम में दूसरा दिन है और मुझे एक मिनट भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं पागल तो नहीं कहना चाहिए कुछ मेंटली डिस्टर्ब या रिटार्डेड लोगों के साथ हूँ। ये हैरानी की बात है, ऐसी फीलिंग क्यों नहीं मुझे हो रही है। सब लोग तो ठीक लगते हैं, सब अच्छे लग रहे हैं यहाँ तो।
देखते हैं। एक लाइन बड़ी देर से सोच रहा था कि सोसाइटी शायद इनके लिए अनफिट है, ये सोसाइटी के लिए अनफिट नहीं है, सोसाइटी इनके लिए अनफिट हो गई है, इसलिए इनको यहाँ ला कर रखा गया ताकि अपना एक अलग माहौल या अपने एक अलग मोहल्ला क्रिएट कर सके और जी सके अपने तरीके से। और ये जगह वाकई शानदार है। तो आप डोनेट करना चाह रहे हैं, आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस कॉज को, इस आश्रम को, तो प्लीज़ फील फ्री टू डू इट। डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस तरह से हमारा आज का एपिसोड यहाँ करके ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। कल मैं आपको यहाँ से माधोपुर बीच लेकर के जाऊँगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीच इन गुजरात। अब हम कल वहाँ पे मिलेंगे। पुराना एपिसोड अगर आप देखना चाह रहे हैं जिसमें मैं पोरबंदर से राइड करके यहाँ तक पहुँचागा तो ये ऊपर की तरफ है, और पूरी सीरीज अगर आप देखना चाह रहे हैं चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया का तो ये नीचे की तरफ दिया गया है। और जिन जिन लोगों ने मुझे इस ट्रिप पर सपोर्ट किया उनके नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।